हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? वेलकम करते हैं आपको एक आज की नई वीडियो में डेली सेविंग पे। दोस्तों, बहुत से लोग हम लोगों को कौमी बचत के बैंक के हवाले से सवालात कर रहे थे। कौमी बचत या नेशनल सेविंग के अकाउंट्स के हवाले से रोज़ बरोज़ क्वेश्चंस की तादाद बढ़ती जा रही है और बहुत से लोग यही सवाल पूछते रहते हैं कि कौमी बचत में तो मुनाफा बहुत ही कम हो गया, लेकिन आप पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें और कौन सा ऐसा बिज़नेस करें जिसके ज़रिए से एक अच्छी अमाउंट भी अर्निंग की जा सके और घर का सिलसिला चलता रहे और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े। दोस्तों, यहाँ पर आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस आपके साथ शेयर करने लगे हैं। ये 1 लाख से 2 लाख रुपए में सिर्फ बिज़नेस हो जाएगा और इसके ज़रिए जो आप अमाउंट इनकम करेंगे वो आप करेंगे कम अज़ कम 40,000 रुपये से 60,000 रुपये तक आप महाना कमा सकते हैं। दोस्तों, ये आइडिया हमने कुछ अर्सा पहले अपने एक भाई के साथ शेयर किया था। जब हमने अपने बिज़नेस आइडिया वाली पहली वीडियो बनाई थी दोस्तों, वहाँ पर हमने शेयर किया था कि आप लोग गारमेंट्स में से कुर्तों का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुर्ता जो सा होल सेल में अगर आप 1 लाख रुपए के कुर्ते उठाते हैं तो आपको मिल जाता है 1400 रुपये 1500 रुपये तक का कुर्ता मिल जाता है। दोस्तों, ये कुर्ता आराम से, इसको हमने कहा था कि आपने 1400 वाले कुर्ते को सिर्फ 1700 रुपये का बेचना है, लेकिन एक हमारे भाई ने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर अमल किया कुछ इस तरह से कि उन्होंने कुर्ता जो सा था उसको 1700 का बेचने के लिए बल्कि एक इस तरह किया कि एक बंदा रख लिया जो कि उनका सेल्समैन था। दोस्तों, उसकी तनख्वाह उन्होंने 15,000 रुपये रखी और उसका टारगेट रख दिया कि तुमने 5 से 10 कुर्तों के दरमियान लाजमी सेल करने हैं। और दोस्तों, वो 1800 से 1900 रुपये तक का कुर्ता बेचता था और फी कुर्ता 400-500 रुपये दोस्तों कमा के देता था। दोस्तों, इस तरह उन लोगों ने क्या किया कि वो रोज़ाना का तकरीबन 2500 से 2800 रुपया वो बंदा कमा के उनको दे रहा था। तो दोस्तों, 2500-2800 रुपये अगर आप रोज़ाना कमा लेते हैं तो इस हिसाब से आपने तकरीबन 70,000 रुपये महीने के कमा लिए, जिसमें से अगर आपने 20,000 रुपये उस सेलमैन की तनख्वाह भी रखी हो तो आपको 50,000 रुपये ईजिली बच सकता है। दोस्तों, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। समझ लें कि आपने 1400 रुपये का कुर्ता एक पीछे से ख़रीदा और उसके बाद आपने दिल में टारगेट रख लिया कि आपने अगर लाहौर में हैं या कराची में किसी भी जगह पे हैं तो आपने सिर्फ दिन के 5 कुर्ते बेचने हैं, इससे ज़्यादा नहीं बेचने। दोस्तों, सिर्फ 5 कुर्ते, 5 कुर्ते कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते दोस्तों। अगर आप उनको बेच लेते हैं, 1900 रुपये का भी आप बेचते हैं, 1800 का भी बेचते हैं, तो दोस्तों उस हिसाब से आप खुद बेचते हैं तो दोस्तों आपको फिर भी सिर्फ और सिर्फ आराम से कोई काम किए बगैर 2 से 2500 रुपये तो इजीली दोस्तों इनकम हो जाएगी। और ये एक बहुत ही अच्छी अमाउंट है, किसी भी नौकरी में छोटी मोटी में भी ऐसी इनकम नहीं होती कि आप महीने का 60-70,000 रुपये कमा सकें। दोस्तों, नेशनल सेविंग के अंदर आप 1 लाख रुपये जमा करा देते हैं और 1 लाख रुपये जमा कराने के बाद आपको पीछे मिलता क्या है, पूरे महीने के बाद सिर्फ 400 रुपये। तो दोस्तों, ये कितना ही अच्छा कारोबार है। इसके अंदर अगर आपको कम से कम पैसे ही बचेंगे तो कम से कम 30,000 रुपये तो आप इजीली कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम नए आइडियाज़ भी शेयर करेंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मोटिवेशनल और अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी मिलती रहें।